साथियों, मित्रों, भाई बंधुओं, भक्तों, आज मैं फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं एक अलग विषय पर आपके लिए एक विचित्र साधना लेकर के आया हूँ, और ये साधना उल्लू वशीकरण से संबंधित है। उल्लू साधना के द्वारा वशीकरण होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी शुभ समय, अच्छा हो यदि ग्रहण काल हो या अमावस्या हो या होली, दीपावली, शिवरात्रि, नागपंचमी, नवरात्रि, पूर्णिमा, कोई भी शुभ समय हो, तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को 108 बार मात्र आपको रुद्राक्ष की माला पर जाप करके सिद्ध करना है। मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय। फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद कहीं पर किसी वृक्ष से आप एक उल्लू पकड़ें। उल्लू को पकड़ते समय उपरोक्त मंत्र जपते रहें। इस मंत्र को जपते हुए उल्लू को अपने घर ले आएं। एकांत स्थान पर बैठ करके उस उल्लू का पंचोपचार से पूजन करें। इस पूजन के पश्चात उल्लू के पंखों पर हाथ रख करके उपरोक्त मंत्र का 21 बार जप करें, जो ऊपर हमने मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते रुद्राय का 21 बार जप करें। इसके बाद उल्लू के माथे पर हाथ रख करके पुनः 21 बार उपरोक्त मंत्र का जप करें। यदि आपको उल्लू पर हाथ रखने में असुविधा हो तो बार बार मंत्र पढ़ करके कहे गए अंगों पर फूंक मारते रहें। आपको याद यही रखना है कि हाथ रखें या फूंक मारें, मंत्र का जाप एक अंग के लिए केवल 21 बार ही आपको करना है। 21 बार एक अंग के लिए आपको मंत्र का उच्चारण करना है। अब उल्लू के सामने ही नीचे दिया गया 21 बार मंत्र पढ़ें। ये मंत्र सुन लीजिए आप, ओम कुरु कुरु माहेश्वरी अन्नवर्धनी प्रियेश्वरी नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए आप लोग, ओम कुरु कुरु महेश्वरी अन्नवर्धनी प्रियेश्वरी नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम कुरु कुरु महेश्वरी अन्नवर्धनी प्रियेश्वरी नमः। इसके बाद अक्षत लेकर इन्हें भी इसी मंत्र के द्वारा 21 बार फूंक करके इसके बाद उल्लू को भोजन देना है। जब ये आप अक्षत 21 बार फूंक करके आप उल्लू के ऊपर फेंक दीजिए, उसके बाद में उल्लू को आपको भोजन खिलाना होगा। यह भोजन भी विशेष ही होगा। इसमें क्या क्या होगा, कहीं से भी आदमी की एक छोटी सी हड्डी ले आइए। छोटी सी हड्डी लाने के बाद में उसको आप पहले महीन महीन पीस लीजिए। पीसने के बाद में आप किसी भी चीज़ का मांस ले आइए, उस मांस में उसको मिला दीजिए। मिला करके उल्लू को खाने के लिए आप दे दीजिए। शराब में जल मिला करके उल्लू को बाएं पंख को तोड़ करके अपने हाथ में ले ले। शराब में जल मिला करके उसको आपको पिलाना है। पिलाने के बाद में उल्लू के बाएं पंख को तोड़ करके अपने हाथ में ले ले तथा नीचे मंत्र जपते हुए उस पंख की पूजा करें और उल्लू को छोड़ दें। जो मंत्र पढ़ करके आपको पंचोपचार से पूजा करना है उस पंख की, वो मंत्र ये है, ओम उल्लुकाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम उल्लुकाय नमः। मंत्र दोबारा फिर से सुन लीजिए, ओम उल्लुकाय नमः। अब आप वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। इस पंख का चूर चूर करके रख लें। यह वशीकरण के लिए उत्तम सामग्री है और इसकी कोई काट नहीं है। इसका प्रयोग करने के बाद में इसकी कोई काट नहीं कर सकता है। इस पंख के चूरे को किसी भी खाने पीने वाली वस्तु में जरा सा मिला करके जिसको वशीभूत करना है आप खिला देंगे, वह जीवन भर की आपकी गुलामी भी स्वीकार करेगा। ये प्रबल वशीकरण है जो उल्लू पक्षी द्वारा है। उल्लू पक्षी के बारे में आप लोग जानते हैं, उल्लू पक्षी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और इनको जिस क्षेत्र के ये रहने वाले होते हैं उस क्षेत्र के बारे में इनको जितना भी गुप्त धन जमीन में गड़ा हुआ है पूरी जानकारी इनको होती है। यदि उल्लू सिद्ध कर लिया जाए तो वो मनुष्य की आवाज़ की तरह बोलता है और उसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। अगर उल्लू सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति हर चीज़ के बारे में जान सकता है।
नमस्कार साथ को, जय भोलेनाथ।